अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फैज़ान अहमद। टुडेज टॉपिक इज क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम बेसिकली कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है। कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डोमेन फॉर ईच वेरिएबल्स होते हैं और सेट ऑफ कंस्टेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, और उन लिमिटेशंस को हमको फॉलो कर जो है गोल अचीव करना होता है, मतलब सॉल्यूशन को फाइंड करना होता है। इसके इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूँ तो CSP इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज स्टेट मस्ट सेटिस्फाई सम नंबर ऑफ कंस्टेंट्स और लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये हमारी कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। अब अगर कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्राफ कलरिंग, सुडोको, एंड क्वीन प्रॉब्लम, क्रॉसवर्ड्स, क्रिप्ट अरिथमेटिक, ये सब हमारे CSP के प्रॉब्लम्स हैं, CSP की जो है एग्जांपल्स हैं। इनका रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो ऑटोमेटेड प्लानिंग है, रिसोर्स एलोकेशन है, ये इनका रियल लाइफ एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम जो इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो हमारी क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम है। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास सम कंस्टेंट्स होंगे, तो चलिए उन कंस्टेंट्स को देख लेते हैं एक बार। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और उस वीडियो को देख लें। तो ये हमारे कंस्टेंट्स हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम के लिए, जिनमें फर्स्ट कंस्टेंट ये है कि डिजिट रेंजेस फ्रॉम 0 to 9 ओनली, जो डिजिट है वो 0 to 9 होंगी। ईच वेरिएबल शुड हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू। ईच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट ओनली 1 डिजिट थ्रू आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक अगर हमने एल की वैल्यू 5 असाइन कर दी है तो जहाँ जहाँ भी एल होगा पूरी प्रॉब्लम में हमारे, वहाँ वहाँ एल की वैल्यू 5 होगी, उसके अलावा हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लेटर इन द क्रिप्ट अरिथमेटिक। सबकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। वीडियो क्रिएटेड बाई सैयद फैजान अहमद। हमने वैल्यू नहीं दी और उसकी वैल्यू को ऐसे ही अजम्पशन उसका ऐसे ही कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। द न्यूमेरिकल बेस अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड इज 10। अगर स्पेसिफिकली स्टेटेड है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज क्या लेंगे हम, 1 और 0, मतलब 10 ही लेंगे। नंबर्स मस्ट नॉट बिगिन विद 0। जो नंबर है वो किसी भी रिजल्टेंट को हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, लाइक 0 1 2 3 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा रिजल्ट जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इस तरह से। आफ्टर रिप्लेसिंग लेटर्स बाय देयर डिजिट्स द रिजल्टिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस मस्ट बी करेक्ट। एडिशंस के जो प्रॉपर रूल्स हैं उनको ही हमें फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का, स्क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम का एक एग्जांपल। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है बेस प्लस बॉल इक्वल टू गेम्स। अब इसमें हमको गेम्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या और सब इसमें हमको ईच लेटर को असाइन करना है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको कैरी मिला होगा, ई प्लस एल किया होगा, तो हमको यहाँ पे कैरी C1 जनरेट हुआ होगा, एक कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ होगा हमारा, एक कैरी हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, एक कैरी हमारा ये जी जो है ये भी हमारा कैरी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने बी प्लस बी का एडिशन किया होगा और हमको ए मिला होगा और साथ ही साथ जी मिला होगा, राइट। ठीक है, और अब हम इसको जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम इसके लिए हमको एक कैरेक्टर कोड चाहिए, और साथ ही साथ हम एक ब्लॉक लेंगे जहाँ पे हम वैल्यूज़ को स्टोर कराते जाएँ। इस तरह से हमने ये ब्लॉक लिया हुआ है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करते जाएंगे, रखते जाएंगे और उसका सम देखते जाएंगे कि क्या वो एग्जैक्ट सम आ रहा है जो हम जिससे हम ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम एक कैरेक्टर कोड ले लेते हैं जहाँ पे हम प्लेस करते जाएंगे जी की कितनी वैल्यू है, बी की कितनी वैल्यू है, ए की कितनी वैल्यू है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे एडिशन किया होगा बी प्लस बी, तो हमको क्या मिला होगा, ए और साथ ही साथ जी मिला होगा, मतलब C4 कैरी। हमारा दो ही कंडीशन होती है कैरी की, या तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए। कैसे 0 और 1 हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी डिजिट को ऐड करते हैं तो हमको 1 और 0 ही कैरी मिलता है। तो हमने यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा कंस्टेंट ये था कि जो डिजिट है रिजल्टेंट जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द कंस्टेंट हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जी की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। नाउ अब आप देखिए, हम बी प्लस बी हमको ए मिल रहा है, ए प्लस ए हमको एल मिल रहा है, एम मिल रहा है। तो अब आप देखिए, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, और इस तरह के हम ई प्लस एल इक्वल टू एस, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिख ली ई प्लस एल इक्वल टू एस, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, ई प्लस एल इक्वल टू एस प्लस 10। हमने इसमें कैरी यहाँ पे मान लिया कि इसके साथ हमारा कैरी जनरेट हुआ है, तो एस प्लस 10 कर दिया हमने। नाउ अब हम इस स्टेटमेंट से, इस वैल्यू से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ई की वैल्यू ले ली ई इक्वल टू एस माइनस एल प्लस 10। अब हम इस ई की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हम इस स्टेटमेंट पर आते हैं, एस प्लस एल इक्वल टू ई, ये हमारी इक्वेशन 1 है,
और साथ ही साथ एस प्लस एल इक्वल टू ई प्लस टेन, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम ई की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने ई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पर इस तरह से, एस प्लस एल इक्वल टू एस माइनस एल प्लस टेन, और तो क्या मिल गया, एल प्लस एल हुआ तो टू एल हो गया इक्वल टू टेन, एल इक्वल टू फाइव। तो अब हमको कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल गया, एल की वैल्यू फाइव मिल गई। तो हमने एल की वैल्यू रख दी फाइव, जहाँ पे एल था वहाँ पे हमने फाइव वैल्यू असाइन कर दी। नाउ अब आप देखिए, जो हमारी एल की वैल्यू आ गई है, तो हमको इस स्टेटमेंट से, इस इक्वेशन नंबर वन से, ई प्लस एल इक्वल टू एस, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, एस माइनस ई इक्वल टू एल। ठीक है, मतलब अगर हम एस माइनस ई करें तो हमको एल की वैल्यू मिलनी चाहिए फाइव। तो यानी एस जो होगा हमारा वो कहाँ से रेंज कर रहा होगा, वो ग्रेटर होगा फाइव या फाइव से बड़ा होगा। अब फाइव इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी एल की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हमारा एस और ई का कॉम्बिनेशन बनेगा 5.0, दूसरा बनेगा 6.1, तीसरा बनेगा 7.2, चौथा बनेगा 8.3, 9.4, जिसमें से 5.0 हम नहीं ले सकते क्योंकि 5 हमारा एल की वैल्यू है, 6.1 नहीं ले सकते क्योंकि ए 1 जो है हमारा जी की वैल्यू है। अब हमारे तीन स्टेटमेंट बचे हैं 7, 2, 8, 3, 9, 4, और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि एस हमारा ग्रेटर है ई से। ठीक है, तो चलिए आगे हम, अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करा लेते हैं। यहाँ पर हमने एस और ई की वैल्यू को रख लिया, और अब हम इस तरफ आ जाते हैं, हम बी की वैल्यू भी देख लेते हैं। अब बी की वैल्यू आपको ये देखकर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, बी जो है हमारा ग्रेटर है फाइव से। फाइव से ग्रेटर इसलिए क्योंकि 10 एडिशन हो रहा होगा जी बी प्लस बी, और वैल्यू क्या मिल रही है, टेंस में मिल रही है, क्योंकि टेंस में इसलिए मिल रही, तभी तो हमारा कैरी जनरेट हो रहा है। मतलब 5 प्लस 5 होता तो 10 हो जाता है, 6 प्लस 6 तो 12 हो जाता है, इस तरह से। तो बी जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो इसका मतलब ये हुआ, अब 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 हमें एल की वैल्यू है, तो 5 से बड़े ही होने के चांसेस क्या हैं कि बी इक्वल टू 6 हो जाए, या फिर 7 हो जाए, या फिर 8 हो जाए, या फिर 9 हो जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले एस की 7.2, एस ई हमने ले लिया 7.2 और बी ले लिया 6, इस तरह से, और ये वैल्यूज हमने अपनी पुट कर दी, सी 3 प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस 2। देखिए, जब हमने 7 एस की वैल्यू हमारी 7 है और ई की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रखा प्लस 5 किया तो हमको 7 मिल गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही आ रहा, 7 एस की वैल्यू रखी, 5 की एल की वैल्यू 5 थी, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 मिला, 2 यहाँ पे मिल गया और कैरी जनरेट हो गया। ठीक है, और बाकी वैल्यूज हमने अभी नहीं लिखी हैं। अब हम इस 6 प्लस 6 के साथ वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको ए मिल जाए। तो हमने देखे यहाँ पे हमारा कैरी रहा होगा सी 3, इस तरह से यहाँ पे हमने कैरी लिखा हुआ सी 3, यहाँ पे कैरी रहा होगा सी 3 प्लस बी इक्वल टू ए, ये स्टेटमेंट नोट कर लिया हमने। तो सी 3 की जगह पे हमने क्या माना है, अभी सी 3 की जगह पे हमने 0 लेट किया, तो जब 0 लिया तो हमको 6 प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस 2 मिला। ठीक है, और अगर हम सी 3 1 ले लें तो इसकी जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू हमको मिल गई 2, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है किसके साथ, ए के साथ। और अगर हम सी 3 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा, 3, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है। तो हमने ए की वैल्यू कितनी ले ली, 3 ले ली, 2 तो हम ले नहीं सकते। अब हमने इस ए की वैल्यू को 3 को प्लेस कर दिया इसमें, इस वाली इक्वेशन में, सी 2 प्लस ए प्लस ए इक्वल टू एम। तो देखिए, सी 2 तो हमको 1 मिल ही रहा था ऑलरेडी, यहाँ पर हमारा कैरी आ रहा है, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 7, जो एस की वैल्यू के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना। तो एम इक्वल टू 7 कॉन्फ्लिक्ट विद एस, तो यानी ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह से रॉन्ग हो गया हमारा। एक तो ई ए इक्वल टू 2 ये रॉन्ग हो गया, या हमने ए इक्वल टू 3 लिया तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एस के साथ, तो यानी ये पूरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एस की वैल्यू 8 कर देंगे, ई की वैल्यू 3 कर देंगे और बी की वैल्यू 7 कर देंगे, याला स्टेटमेंट हम चूज़ कर लेंगे इसके लिए, और साथ ही साथ इसके लिए हम बी इक्वल टू 7 याला चूज़ कर लेंगे। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए, जब हमने ई की वैल्यू 3 कर दी, एल 5 था ही ऑलरेडी हमारा, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, ए प्लस ए एम। अब हम इनको वैल्यू को फिर से सॉल्व करते हैं, सी 3 प्लस बी इक्वल टू ए, तो 7 प्लस 7 इक्वल टू 10 प्लस 4, तो एक बार ए इक्वल टू 4 मिला हमको क्योंकि जब हमने 0 लिया होगा सी 3 तो 4 मिला, और एक बार ए इक्वल टू 5 मिला, तो हम पहले 4 को ही चूज कर लेते हैं इसको। अब हम इस वैल्यू को ए इक्वल टू 4 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सी 2 जो हमारा ऑलरेडी 1 है, सी 2 प्लस ए इक्वल टू एम, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 9, तो हमें एम कितना मिल गया, 9। अब देखिए, ए भी हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है और 9 भी हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है,
तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं इस अपनी इस ब्लॉक में और देखते हैं कि हमको आंसर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हमने 5 और 3 को रखा, E की वैल्यू हमारी 3 थी, L की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 8 हमको क्या मिला, 5 प्लस 3 8 मिला, ठीक है ये सही आ रहा। 8 हमारी किसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं इस चार्ट में S की वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने S स्टोर करा दिया। नाउ अब हम S की वैल्यू 8 ली और L की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 5 है, तो 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, ठीक है, और 3 हमारा किसका है, E का है, आपको पता है ये E हमने स्टोर करा दिया। नाउ 4 हमारा A की वैल्यू थी, 4 प्लस 4 कैरी 1 9 हो गया, 9 आ गया, 9 हमारी किसकी वैल्यू थी, M की, तो यहाँ पे M आ गया। और उसके साथ साथ B की वैल्यू हमने 7 प्लस 7 रखी हुई है, B हमारा 7 है, 7 प्लस 7 कर दिया हमने, तो हमको कितना हुआ 4 और कैरी 1 जनरेट हो गया। 4 हमारी किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए कैरी 1 जनरेट हो गया, और 4 हमारी किसकी वैल्यू है, A की, ये भी ठीक है, और 1 हमने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है, ये 1 हमारा यहाँ पर आ गया और 1 हमारा G की वैल्यू थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये गेम्स की जो इंक्रिप्शन करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं बिल्कुल सही आ रही हैं, सब पूरा एडिशन होने के बाद पूरा पूरा सही आ रहा है। सो गाइज यही हमारा क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम थी। सो गाइज होप यू एंजॉय द वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो वीडियोज़ हैं वो आपसे छूटने ना पाएँ।